पंजाब के खाने तो पंजाब के सोहने लोग पूरी दुनिया के विच मशहूर ने। चाहे वह लहंदा पंजाब हो, चाहे वह चढ़दा पंजाब हो, तरह तरह के पंजाबी खाने पूरी दुनिया के विच अलहमदुलिल्लाह इन्ने पसंद किए जाते हैं, इन्ने पसंद किए जाते हैं कि लोग खाते ही नहीं रजते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम शेफ इमरान है और ख़वातीनो हज़रात, आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे आज हम बनाएंगे प्योर पंजाबी रेसिपी। ये रेसिपी जनाब चढ़दा पंजाब, लहंदा पंजाब, अमेरिका, कैनेडा, यूरोप, तुर्की, पूरी दुनिया में मशहूर है। लोग इसे बड़े शौक से खाते हैं। सादा सी रेसिपी है जिसे हम बोलते हैं मसूर चावल। जब भी कोई घर में बात हो ना कि आज क्या पकाया जाए, तो फौरन से जनाब मुंह से निकलता है काश आज मसूर चावल पकाए जान। बच्चों से लेके बड़ों से लेके बूढ़ों तक ये सबको बहुत पसंद रेसिपी आती है। बनाना बहुत आसान है, लेकिन इसको कैसे बनाया जाता है? सादा तरीके से मिर्च मसालों के बगैर बनाया जाता है, जिससे साबुत मसूर और चावलों का टेस्ट इतना मज़ेदार और टेस्टफुल लगता है ना जनाब। हल्के हल्के चावल, मज़ेदार से मसूर, सुबहान अल्लाह। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सूबा पंजाब में इस रेसिपी को कैसे बनाया जाता है, असल तरीका कौन सा है, मुकम्मल गाइड करूंगा, तवज्जो से देखिएगा। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मज़े की रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको साबुत मसूर चाहिए। साबुत मसूर आपने लेने हैं 1 पाव, या आप जितने इस्तेमाल करना चाहें। मसूर को अच्छे से पहले आपने साफ़ कर लेना है, ताकि इसके अंदर जो रोड कंकर वगैरह होते हैं ना, वो आपने अच्छे से चुन के फेंक देने हैं। अच्छे से धोने के बाद आपने थोड़ा सा पानी इसमें रहने देना है, तकरीबन 1 गिलास। 2 मसाले अभी के अभी इसमें डाल देंगे, ज़्यादा मसालों की भरमार नहीं करेंगे। सिर्फ ये 2 मसाले हैं, काली मिर्च कुटी हुई, हल्दी, या आगे जाके नमक इस्तेमाल करेंगे, बस। इसके अलावा कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। टमाटर, प्याज, सब्ज़ मिर्च को आपने अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। बिल्कुल बारीक काट के भून के मसाला भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से डालेंगे ना तो ये ज़्यादा टेस्टी भी बनेंगे और इसकी ग्रेवी भी अच्छी बनेगी। पानी ज़्यादा नहीं डालिएगा, क्योंकि मसूर में पानी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर ज़्यादा पानी डाल देंगे तो बाद में आप पानी को ड्राई करेंगे, जिससे मसूर का जायका ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल हल्का फ्लेम करके ढक्कन लगाएंगे और 20 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। तो यहाँ पे हमने साबुत मसूर को ना 30 से 35 मिनट के लिए आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्के फ्लेम पे उबाला है, ताकि ये अच्छे से गल जाएं। आप देख सकते हैं हल्का सा पानी बचा है। मिक्स करने से पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें आपने नमक लाजमी डाल देना है, जो अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं किया। चलिए देखिए, माशाल्लाह मसूर अच्छे से गल गए हैं। जो मसाले हमने ग्राइंड करके डाले थे ना, उसकी वजह से देखें क्या एक शानदार सी माशाल्लाह ग्रेवी तैयार हुई है। तो ले जी, मसूर बेहतरीन बन गए हैं हमारे। ये परफेक्ट है चावल के साथ खाने के लिए, रोटी के साथ खाने के लिए। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद थोड़े से गाढ़े हो जाएंगे। इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे, एक बेहतरीन सा पंजाबी तड़का तैयार करेंगे, जो कि चंद चीज़ों से तैयार होगा। तो तड़का बनाने के लिए देसी घी लेंगे। आप डालडा घी में भी बना सकती हैं, आयल घी में भी इसको फ्राई कर सकती हैं। इसमें डालेंगे साबुत गरम मसाले के साथ चंद दाने, यहाँ पे टमाटर काटे हुए हैं, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च काटी हुई है, हल्के से प्याज हैं, और कुटा हुआ इसमें अदरक और लहसुन है। आगे जाके 2 चीज़ें इसमें और डालेंगे, जो इसके टेस्ट को और ख़ूबसूरती को बढ़ा देगी। तो यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल हल्का फ्लेम आपने रहने देना है, अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब तड़के से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए, सारी चीज़ें माशाल्लाह गोल्डन ब्राउन हो जाएं, तब इसमें डालिएगा मज़ीद कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और कटा हुआ लहसुन। इमरान भाई, लहसुन तो पहले भी शामिल किया है। जनाब काट के लहसुन डालेंगे ना, तो इसकी कच्ची कच्ची खुशबू बड़ी मज़े की लगती है, और ये जो लहसुन के कटे हुए जवे हैं ना, सालन की खूबसूरती को भी बढ़ा देते हैं। मसूर भी तैयार है जनाब, यहाँ पर बेहतरीन सा तड़का भी तैयार है। तो इस शानदार से तड़के को डालेंगे अपने प्यारे से मसूर के अंदर। एहतियात के साथ आपने इसमें डाल देना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। फ्राई पैन को, बर्तन को आपने अच्छे से साफ़ करना है। कोई भी चीज़, कोई भी जायका ज़ाया नहीं होना चाहिए। देखें माशाल्लाह, पंजाबी तड़के वाले मसूर इस तरीके से तैयार किए जाते हैं। कोई गर्म मसाला नहीं डालना, कुछ भी आपने इसमें एक्स्ट्रा और नहीं डालना। आपके सामने है सादा से तरीके से तैयार किए गए ये मज़ेदार से ज़ाफ़रानी मसूर। इतने मज़े के तैयार हुए हैं। सिर्फ 1 मिनट के लिए आपने इसको दम लगा के छोड़ देना है ताकि इसका सारा टेस्ट मसूर के अंदर आ जाए। इसके बाद आपसे मिलेंगे फाइनल। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं साबत मसूर और ज़ाफ़रानी चावल कितने मज़े के तैयार हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखें जनाब मसूर देखें क्या ज़बरदस्त टेस्ट लेके आए हैं और चावल देखें माशाल्लाह खिले खिले चावल हैं। एक एक चावल में आपको जायका मिलेगा, एक एक मसूर में आपको जायका मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जनाब इसके साथ ये मज़े की उबली हुई साबत सब्ज़ मिर्च डालिएगा और कमाल देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सादा सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।